हैदराबाद की एक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में दो गुटों में झगड़ा हो गया। जब बड़े हुए कैम चार्ज को लेकर आपस में बहस शुरू हुई और उसके बाद यह हाथापाई में बदल गई। यह मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इसमें सबसे बड़ी देखने वाली बात यह रही कि यह हाथापाई पुलिस की मौजूदगी में हुई और मौजूदा आरडब्ल्यूए के पदाधिकारी जिन्होंने कथित रूप से यह हाथापाई की थी, जो सीसीटीवी कैमरा में दिखाई दे रहा है, उन्होंने बाहर से बाउंसर बुला रखे थे, जिसका खुलासा वहां के स्थानीय निवासियों ने मोबाइल रिकॉर्डिंग करके किया। आरडब्ल्यूए के पदाधिकारी लोगों को गाली गलौच और मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस मारपीट में नीरज मित्तल और विकास पोछार नामक स्थानीय निवासी को हल्की फुल्की चोट आई है। इसके बाद उन्होंने एक लिखित शिकायत पुलिस में दे दी है। जब हम अपने बड़े हुए कैंप चार्ज को लेकर इनसे बातचीत करने गए तो विकास और संतोष नाम के दो लोगों ने हमारे साथ मारपीट शुरू कर दी। जब आरडब्ल्यूए के ऑफिस में अपने बड़े हुए कैंप चार्जेस को लेकर उनसे बात करने गए कि अभी कोई लिखित आदेश राष्ट्र की तरफ से नहीं आया है तो आप इस तरह से ज्यादा चार्जेस नहीं वसूल सकते, तो उन्होंने हमारे साथ गाली गलौज मारपीट की और बाउंसर को बुलवाकर हमें धमकाया भी। उन्होंने डंडे और सरिया ले रखे थे, हमें भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। आरडब्ल्यूए के पदाधिकारियों ने हमारे साथ मारपीट की, गाली गलौज की। जब हम उनसे बात करने गए थे कि आप यह लीगल तरीके से केम चार्जेस कैसे बना रहे हैं, तो उन्होंने हमारे लोगों के साथ मारपीट की। आज सुबह जो है हम लोग इनके जो है क्या कहते हैं अकाउंट ऑफिस में गए थे, क्योंकि ये इन्होंने इनको गवर्निंग बॉडी से जो है इंस्ट्रक्शंस मिले थे कि भाई 2 रुपये 25 पैसे बढ़े हुए चार्जेस से कम में पैसा नहीं लेना है, चाहे जो भी है पार्ट में पेमेंट नहीं लेनी है। और फिर दूसरी तरफ से ये हमें कह रहे थे कि भाई हम अगर आपने पूरे पेमेंट नहीं करी तो इलेक्ट्रिसिटी काट देंगे, ठीक है। तो हम उसके लिए बात करने गए थे कि जो एक्चुअल में 1 रुपये 83 पैसे है उससे चार्जेस लो, ताकि इलेक्ट्रिसिटी कट ना हो किसी की भी और किसी को भी दिक्कत ना हो, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट हो जाए। इतने में जीवी मेंबर्स आ गए उसमें से, और मैं वीडियो बना रहा था बेसिकली, सब लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, तो इतने में उन्होंने मारपीट चालू कर दी। विकास शर्मा और संतोष ठाकुर जो कि गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स हैं, उन्होंने पहले गाली गलौज चली कर दी, लेडीज़ के सामने भी गाली गलौज करी, उसके बाद मेरे ऊपर हाथ उठाया उन्होंने। नीरज नाम के शख्स ने शिकायत की है कि हमारे साथ मारपीट की गई है और उन्होंने 3-4 आदमी के नाम भी लिखवाए हैं। हमने उन्हें मेडिकल के लिए बोला है, उसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। सीसीटीवी फुटेज में जो लोग सामने दिखाई दे रहे हैं उनके खिलाफ जांच की जाएगी। इसमें नीरज नाम के लड़के ने कंप्लेंट दी है, 3-4 आदमी का नाम लिखा है, मेरे साथ मारपीट करी है, उनसे कहा अपने मेडिकल कराया कर रिपोर्ट मारे होते थे पुलिस को, पुलिस तस्दीक करेगी जैसी कार्रवाई होगी वो कर देगी, तब इसमें जो कुछ पाओगा नहीं वो कार्रवाई करेगी। उन्होंने एक सीसीटीवी फुटेज जारी किया है जिसमें मारपीट दिखाई दे रही है, तो उसके बारे में कोई कार्रवाई होगी जिन्होंने मारपीट की है? हाँ, उन्होंने बोल का फुटेज की जो है नहीं वो मारो दे देना,
जैसे पता लगेगा जिसका वो आएंगे कर दें खिलाफ कार्रवाई।